स्नातक शिक्षक की बैठक थी, सभी समीक्षा बैठक थी तीन जनपदों की। चुनाव की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में स्नातक शिक्षक का चुनाव चल रहा है और सभी सीटें हम कार्यकर्ता और शिक्षक मतदाता और जो स्नातक के मतदाताओं का आशीर्वाद लेकर कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत ये चुनाव हम जीतेंगे। देखिए 22 की तैयारी तो हमारी चली रही है और 22 के तैयारी के लिए या वो जो 17 में गवर्नमेंट आ रही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आपको योगी जी जैसा नेता कहाँ मिलेगा। परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। सपा बसपा का आपने शासन देखा है, पूरा खानदान मिलकर राज्य को लूटता है। पहली बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और सपा बसपा शासन में लोग अपना कोठी बनवाते थे, लेकिन मोदी योगी जी के शासन में गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, गरीबों के घर में गैस पहुंच रहा है, गरीबों के लिए शौचालय बन रहा है, गरीबों के लिए आयुष्मान का कार्ड बन रहा है, गरीबों के घर में पानी पहुंचाने का व्यवस्था हो रही है टूटी की दौरान। इसलिए किसी प्रकार के गरीब को, गरीब बच्चों की बेटियों की शादी करने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री योजना के द्वारा, और यहाँ तक नहीं उनके बच्चों को जूता मोजा कपड़े स्वेटर स्कूल में जाते समय संपूर्ण व्यवस्था सरकार कर रही है। इसलिए मतदाता और 24 करोड़ लोग योगी जी मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं और पसंद करते हैं। सर आपके मौके हो रही है पूरे देश में, क्या कहेंगे सर आपके पूरे प्रदेश में? नहीं देखिए घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोई दोषी नहीं बचता है, न कोई बचा पाता है। ये योगी सरकार है, जो गुंडे हैं है जो इस प्रकार के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती, सख्त से सख्त कार्रवाई। विश्राम नहीं, क्या है विकास के नाम पर, हमारे नेता के लोकप्रियता के नाम पर, किसी से नहीं, किसी से नहीं।